नमस्कार। हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं एक वीडियो में कि बोन के लिए, बोन हेल्थ के लिए विटामिन डी और कैल्शियम की बहुत जरूरत होती है। और आजकल हमने बहुत सारे पेशेंट्स में देखा है कि उनमें विटामिन डी की कमी है, उसकी वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अगर बच्चे होते हैं तो हमें हड्डियाँ सिर्फ कमजोर नहीं होती, हड्डियों में डिफॉर्मिटी भी आ जाती है, हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, जिसमें से एक डिफॉर्मिटी है नॉक नी, जिसको हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं जीनू वेलकम। जो घुटने हैं वो अंदर की तरफ हो जाते हैं और टांगे बाहर की तरफ चली जाती हैं। तो ऐसा ही एक पेशेंट हमने अभी ट्रीट किया है, जिसका इलाज हमारे पास 6 महीने से चल रहा था। हम उसके बारे में आज आपसे डिस्कस करें। हाँ, वापस जाइए, आ जाओ, यहाँ रुको। तो नॉर्मली जो हमारा नी का एंगल होता है वो अराउंड 7 to 10 degree रहता है। ये जो एंगल है, फीमर ऐसे जाती है, टिबिया थोड़ी बाहर की तरफ जाती है, लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड में देखें तो फीमर और टिबिया का एंगल काफी ज्यादा है, ये 15 degree से ज्यादा है। इसको हम जीनू वेलकम कहते हैं, नॉक नीज भी कहते हैं, क्योंकि जब बच्चा चलता है तो आपस में घुटने टकराते हैं। और इसका एक कॉमनेस्ट कॉज है रिकेट्स, यानी कि वाइटामिन डी डेफिशिएंसी। जब अनिष्का हमारे पास 6 महीने पहले आए थे तब इनकी डिफॉर्मिटी काफी ज्यादा थी। हमने इनका विटामिन डी भी दिया है, कैल्शियम भी दिया है और स्प्लिंट्स भी दिए हैं इनको रात को पहनने के लिए, जिससे अभी ग्रेजुअली करेक्शन हो रही है। ये अनिष्का का 6 महीने पहले का एक्सरे है, जब ये मेरे पास आए थे। तो आप देख सकते हैं कि फीमर और टिबिया में काफी ज्यादा एंगल था, राइट में भी और लेफ्ट में, तो अभी भी थोड़ा बचा हुआ है, पर राइट का काफी करेक्शन हुआ है जब हमने लेटेस्ट देखा है। तो खास चीज देखने की ये है कि ये देखिए, ये बिल्कुल जैसे दीमक खा लेती है लकड़ी को, इस तरह से इनकी हड्डी बन गई है। ये रिकेट्स की खास निशानी है, जब पेशेंट को विटामिन डी और कैल्शियम कम हो जाता है। यहाँ भी आप देखिए, ग्रोथ प्लेट के नीचे पूरा खाली पड़ा है, यहाँ पर, इधर भी आप देखें, ये रिकेट्स की बिल्कुल क्लियर पिक्चर है, क्लासिकल साइन है ये कि पेशेंट के बॉडी में विटामिन डी की कमी है। तो हमने इनका 3 महीने बाद फिर एक्सरे कराया और उसके 3 महीने बाद फिर कराया। तो हम आपको सीक्वेंशियल एक्सरे दिखाएंगे और आप अप्रिशिएट करेंगे कि पेशेंट को इम्प्रूवमेंट कैसे हो रही है। तो ट्रीटमेंट शुरू करने के 3 महीने बाद आप देखेंगे कि ये जो खाली जगह थी ये धीरे धीरे भरनी शुरू हो गई है। अभी भी लेकिन पुराने निशान दिखाई दे रहे हैं, आप ये देख सकते हैं, धीरे धीरे कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है। पेशेंट को हम कैल्शियम और विटामिन डी दोनों दे रहे हैं। यहाँ भी आप देखिए, ग्रोथ प्लेट के नीचे पहले बिल्कुल खाली था, कैल्शियम बिल्कुल नहीं था, और ये कैल्शियम डिपॉजिट हो गया है। और ये है 6 महीने बाद का एक्सरे, इसमें अब पुराने निशान भी लगभग खत्म हो गए हैं, बिल्कुल नॉर्मल बोन लग रही है। हल्का सा यहाँ देखने से थोड़ा लग रहा है कि इनको कुछ बीमारी थी, लेकिन अब डिजीज बिल्कुल नहीं है। और ये जो एंगल था फीमर और टिबिया का, अब ये भी ग्रेजुअली कम हो गया। अब आप यहाँ देखें, बिल्कुल नॉर्मल बोन दिख रही है, पहले एक बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, अभी बिल्कुल बोन ट्रेविकली आप देख सकते हैं, बिल्कुल सॉलिड बोन बन गई है। लेफ्ट में अभी भी थोड़ा एंगल बाकी है, पेशेंट को रात को स्प्लिंट दे रहे हैं, धीरे धीरे इसमें भी करेक्शन आएगी, क्योंकि बच्चा अभी 12 साल का है सिर्फ, तो अभी इसमें करेक्शन के काफी चांस। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी से जो बीमारी होती है उसको हम रिकेट्स कहते हैं, अगर ये ग्रोइंग एज में होती है, यानी कि 17-18 साल से पहले। अगर जब ग्रोथ पूरी हो जाती है बॉडी की, यानी कि 18 साल के बाद, तो इस बीमारी को हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। डिफरेंस ये होता है कि और रिकेट्स में बोन कमजोर होने के साथ साथ टेढ़ी भी हो जाती है, ऑस्टियोमलेशिया में सिर्फ बोन कमजोर होती है। और आजकल जैसा माहौल देख रहे हैं कोविड में, कि सनलाइट एक्सपोजर बहुत कम है लोगों का, लॉकडाउन लगा है, लोग घर से ही काम कर रहे हैं, तो उसमें विटामिन डी डेफिशिएंसी होने की और भी ज़्यादा चांसेस हैं। लोग एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो हमें बहुत केयरफुल रहना है इस टाइम में, कि हमें या हमारे परिवार में किसी को विटामिन डी डेफिशिएंसी ना हो। तो आप अपना चेकअप रेगुलर कराते रहें, और अगर विटामिन डी की कमी है तो उसको प्लीज़ सप्लीमेंट्स लेते रहिए। तो ये मेरा मैसेज है, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी केयरफुल।